फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कोकोनट ऑयल घर पे कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये ला ली हूँ कोकोनट, और इसे मैं अच्छे से छील ले रही हूँ मेरी मम्मा के हेल्प से। और मैं और मेरी मम्मी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा सा निकला है, और इतनी ठंडी में जो है देखिए धूप भी निकली हुई है, तो मैं धूप में बैठी हुई हूँ। तो ये देखिए हमारे जो नारियल है वो मम्मा ने छील दी है, और आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है। टकली नारियल गंजी चुड़ैल से टकली नारियल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, का आपने भी ऐसा ज़रूर करे होंगे ना, जो हरकत मैं कर रही हूँ, आपने नारियल फोड़े होंगे, उसमें से जो पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो ये देखिए मैं पानी निकाल रही हूँ उसका, कोकोनट वाटर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कर ली हूँ नारियल के दो टुकड़े, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं ऐसे ही खा लूँ। पर देखिए, ये वीडियो में मैं आपको एक हैक भी बताने वाली हूँ कि ये नारियल को आप इजीली कैसे छील सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना गैस जलाना है, और गैस के ऊपर जो है कोकोनट को रख देना है गर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोकोनट आप जला दे इसको, देखिए सिर्फ आपको जो ऊपर का इसका कवर है वो ही जलना चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ईजली जो है इसका जो कोकोनट है वो अलग हो जाएगा, और ऊपर का जो कवर है वो अलग हो जाएगा। तो मैं सारे कोकोनट को एक के बाद एक जो है गैस पे रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी है बट बहुत यूज़फुल है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके स्किन बहुत ड्राई हो रही है, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो कोकोनट ऑयल रिमूव करता है, हटाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार कोकोनट ऑयल ज़रूर घर पे बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि घर पे बना हुआ कोकोनट ऑयल और जो अपन बाहर से लाते हैं वो कोकोनट ऑयल में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लियो, महंगी से महंगी क्रीम ट्राई कर ली हो, पर फिर भी वो असर नहीं कर रहा, तो एक बार कोकोनट ऑयल रात में यूज़ कर लो यार, फेस धोकर एक बार यूज़ करके देखो। सच्ची मैं बता रही हूँ, आप मेरे चैनल पर आओगे और मेरे को थैंक यू बोलोगे कमेंट में, और मैं इस चीज़ का वेट भी करूँगी। तो ये देखिए मैंने जूसर की हेल्प से जो है कोकोनट ऑयल निकाल ली थी, और ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी एक दो घंटे के लिए, तो ये जम चुका है। बस यहाँ पे फ्रेंड्स ये गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसमें पानी डालना भूल गई थी जूस निकालते निकालते, तो आपने पानी डालना है। ये जो फ्रेश कोकोनट मिल्क जो निकला है ना, जो मैंने जमा ली थी, इसको से आप हेयर स्पा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो क्रीम निकल गया इसे आप ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ क्रीम, और जो हेयर स्पा करना चाहते हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये कोकोनट मिल्क बनता है, उसके बाद जो है कोकोनट ऑयल बनता है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं इसके शेड्स दिखाते रहूँगी, ये धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, आपको धीमी आँच में इसे पकाना है। तो ये देखिए मेल्ट होना चालू हो गया है। फ्रेंड्स, जब तक ये मेल्ट हो रहा है, जब तक आपको ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बटन पे क्लिक करना ही करना है ताकि आपको मेरे आगे की वीडियो मिल जाए। और मैं अभी रुक रही हूँ, आपको पहले सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आप बातों में भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो और लाइक भी कर देना है, अपनी सिस्टर की वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपनी प्यारी प्यारी बहनों और जिनको आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने जितना भी था मेरा कोकोनट मिल्क वो मैंने इसमें डाल दी हूँ, और मैंने जो है गैस चालू कर दी हूँ, और ये जो है धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के जाते हैं ना, तो बहुत दिल दुखता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। वैसे आप मेरी वीडियो देखते तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर थोड़ा सा इतनी मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप भी जो है अप्रिशिएट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अब ये देखिए इसमें ये पकना स्टार्ट हो गया है, अगर हम पानी डालते तो पानी अलग हो जाता और जो ऑयल है वो अलग हो जाता। ये देखिए हमारा ऑयल जो है अलग होना स्टार्ट हो गया है, इतनी अच्छी खुशबू चलती है ना फ्रेंड्स इसकी। अब ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और पका के इसमें तेल अलग कर लूँगी, वीडियो मेरी ज़्यादा ही लंबी हो रही थी, तो ये देखिए मैंने तेल अलग कर ली हूँ।
और फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसे हाथ पे यूज़ करके बता रही हूँ, मैं फेस पे ही बताने वाली थी लेकिन ऐसा हुआ कि वो मेरी वीडियो जो है वो गायब हो गई, मतलब डिलीट हो गई मेरे हाथ से। ये देखिए जो ऑयल हम बनाते हैं ना फ्रेंड्स वो स्किन के अंदर चले जाता है और जो रेडीमेड ऑयल रहता है ना वो ऊपर ही रहता है, सबसे बड़ी डिफरेंस है इसमें। ये ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।